यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं और कुछ बच्चे भी हैं। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है सबका। क्या समस्या आपकी समस्या थी कुछ भैया? अपना नाम बताइए, समस्या बताइए। मेरा नाम शिवनंदन सिंह है, ग्राम खोखरा जी, जिला सीधी मध्य प्रदेश जी। मेरा यह निवेदन है कि जो गैस सिलेंडर है जी, ये मुझे नहीं मिला है जी। मैं गैस एजेंसी टमसार में डॉक्यूमेंट जमा किए अपनी वाइफ की जी, तो बोला ठीक है 15 दिन में मिल जाएगा जी। 15 दिन के बाद मैं आया, चेक कराया, बोला अभी नहीं आया जी। कुछ दिन बाद आया जी। फिर मैं 1.5 महीने बाद आया जी, फिर भी बोले नहीं आए जी। फिर 3रे महीने में आया, फिर भी वो नहीं आए। इसके बाद मैंने छोड़ दिया जी। इसके बाद दूसरी बार जब जमा किया जी, गैस एजेंसी गोत्रा वहाँ जमा किए, तो 15-20 दिन बाद वहाँ भी चेक कराए, तो भी नहीं आया। फिर 3 महीना बाद डायरेक्ट आया जी। आ गया? नहीं आया नहीं। हाँ। मैं अच्छा, मतलब आप 3 महीने मैं गया तो बोले आ गए, तो बोले आ गए। फिर मैं बोला कब मिलेगा, कहे अगले दिन नहीं आना, 2-3 दिन बाद आना। फिर गया, बोला आप तो आपका तो निकल चुका है। मैं बोला मैं जमा किया हूँ, बोला रिजेक्ट हो गए, नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं दोबारा दूसरे गैस एजेंसी में जमा किया हूँ। यहाँ भी वो आप बोलते हैं कि आपका निकल चुका है। मैं फिर बोला यहाँ, वहाँ से आ गया सीधे यहाँ टमसार एजेंसी HPN में, तो बोले कि एल एजेंसी वाला बोला, टमसार वाला बोला जाओ वहाँ, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जी घुमा रहे। फिर गोत्रा से ऐसे ऐसे बताए उनको, बोला फिर जाओ टमसार। इसी तरह करते करते आज से 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक नहीं दिए। वहाँ से यहाँ घुमाते हैं, यहाँ से वहाँ घुमाते हैं जी। गांव के सरपंच से बात की? सरपंच सरपंच से क्या बात करें, सुनते हैं वो नहीं सुनते। सरपंच कौन है? सरपंच बस के तो है नहीं। आपके यहाँ के सरपंच कौन है? श्री गिरधान सिंह। पहली बार चुने गए हैं कि इससे पहले भी रहे? 2-3 पंचवर्षीय हो गए। और कोई था पहले? आप अभी वर्तमान में श्री गिरधान सिंह हैं। तो यही करते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आप आवेदन दे चुके हैं जी। आप अकेले ऐसे हैं कि और कई सर? नहीं, हमारे खोखरा खोखरा पंचायत भी ऐसे ही गोतरा है, खोखरा एजेंसी गैस निकाल कर बेच खा लिया गया है, एक दूसरे को दे दिया है। और यहाँ की गैस खोखरा बड़का डोल के थी, बहुत नहीं पाया सर, ऐसा किया, लेकिन उन लोगों को मिला नहीं है। लिस्ट में नाम है कि तुम्हारा निकल चुका है, मिल चुका है, लेकिन उनको मिला नहीं है। एक तरीके से बहुत बड़ा घोटाला है, घोटाला है गैस के मामले में, टमसार गोत्रा और एक मखोर एजेंसी। आप लोग ऐसे आवेदन दे देते होंगे, फिर आवेदन आपके नाम पर गैस निकाल दी जाती होगी, दूसरे को दे दी जाती होगी जी, और आप लोगों को मिलते नहीं। मिलते नहीं सर। ये लगभग कितने लोग होंगे जो, तो आपके गाँव में की बात अगर हम करते हैं तो कितने होंगे? 10-25-50 कितने लोग? 10-50 से नहीं, 50-60 से नहीं, आधे लोग हैं। आधे होने चाहिए, आधे। ये गांव से निकल चुका है, ये एक गांव के लोगों की समस्या है, एक पंचायत की, खोखरा पंचायत की। और फिर आपस सही गए वो नहीं है, फिर देबे नहीं करी। फॉर्म सब ने जमा किया? फॉर्म ये बता दिए रिजेक्ट हो गया, कार्ड ले लिए, पासबुक के फोटो लगा दिए, सब कुछ। तो जब बताते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो कोई कागज पाथर देते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। मुंह से बोल देते हैं? मुंह से बोल दे, तो बोल देंगे यहाँ से चले जाओ टमसार, चले जाओ टमसार से वहाँ चले जाओ। वो तो जब दूसरी गैस एजेंसी में हम लोग देते हैं, जब रिजेक्ट हो गया दोबारा फिर से हम लोग जमा करते हैं, फिर से आएगा, तब पता चलता है कि आपका तो निकल चुका है, फिर अब क्या करें। एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में एक जांच होनी चाहिए, और आप लोगों का जो सिलेंडर है, जो कहा जा रहा है कि निकल गया, तो कहां गया, इसके बारे में जांच होनी चाहिए और आप लोगों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? दलवीर सिंह। कितने साल? अरे 70-80 साल, 60 लगभग। वृद्धा पेंशन मिल रही? हाँ हाँ। कितने साल से मिल रही? 2-3 साल से मिल रही। हर महीने पैसा आ जाता है कि नहीं? आ जाता, आ जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह वो आते हैं? वो भी आ जाते। चलिए, सब माने जिंदगी सही तरीके से ठीक ठाक कट रही। और कोई समस्या? और समस्या यही है, स्थान भूइयां
खेल हवा खेल। हाँ अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, किस कक्षा में पढ़ते हो बेटा? पहली में। स्कूल में टीचर आते हैं, मास्टर आते हैं, जाते हो स्कूल? पर अभी तो कोरोना चल रहा था तो स्कूल खुली थी क्या? जाते थे स्कूल अभी भी? बोलो छोटू। एक साल से तो स्कूल बंद था ना। बोलो। कितने लोग पढ़ाते हैं तुम लोग को? चलो अच्छा तुम बताओ। 5-6 लोग पढ़ाते हैं। हाँ कितने बच्चे हो? बहुत सारे पढ़ने जाते हो? जी। अच्छा पढ़ाते हो? जी। क्या क्या बनने लगे? सब और लोग नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? बहुत लोग बच्चे नहीं आते हैं, टीचर सब आते हैं, है ना? चलो ठीक है सर, मान लीजिए जी। हाँ सुना दीजिए, आप भी सुना दीजिए। हमारे पिताजी के नाम से जी इंदिरा आवास योजना मकान जी फर्जी के रूप से निकाल लिए गया। प्रधानमंत्री आवास की इंदिरा आवास, इंदिरा आवास पहले चलता 2011-12 में। हाँ और फिर हमारे का नाम से वो तो निकाल के फर्जी के रूप से खा लिया गया, हितग्राही को कोई मालूम था नहीं। मेरा नाम बाबूलाल सिंह, मेरे पिताजी के नाम सुचरण सिंह, सुचरण सिंह के नाम से निकाला गया और निकाल के 21 पैसा भी खा लिया गया 2011-12 में। और हमको कोई जानकारी था नहीं, जब घर के फोटो खींचने के लिए आए तो हमने बोला कि कैसे फोटो खींच रहे हो, तो कहें कि तुम हमारे नाम से घर आया है। हम कहे घर तो हमारे यहाँ कहाँ आया है, तो हम पता कह लगे थे किस्त पैसा निकाल लिए, खाता में पैसा आया गया आया है और फर्जी के रूप से निकाल लिया गया है, अंगूठा छाप पिताजी हमारे ही निकाल गए, एक किस्त पैसा निकाल लिया गया। फिर हम उसमें ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन किए, फिर हमें दबाव पड़ा सिक्योरिटी सरपंच के, इनकी वो का नाम से आपके पैसा 15 दिन के अंदर आ जाएगा और ऑनलाइन कटवा दो। तो मैं बोला कि मैं ऑनलाइन कटवा दूंगा, मैं किस्त पैसा मैं लेके का करवा क्या करूँगा, है ना? पर शासन कितनी जानकारी दे दिया गया। फिर ये का नाम से प्रधानमंत्री फिर से उनके नाम से आवा, पिताजी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किस्त तो खा लिया, उसको मैं पाया ही नहीं, ठीक ना? लेकिन वो पैसा जो है पिताजी के, तो उसको हमारे नाम से बारिश होना चाहिए। हाँ मतलब ट्रांसफर कर दें आपके नाम से, जो गया तो गया, जो है तो आपको मिल जाए जी। तो इसमें कहते हैं कि उपाय गया है, आज तक साइन नहीं किया है सेक्रेटरी नहीं कर रहा जी। जी तो इनकी समस्या की ओर भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन ध्यान दे, और ऐसे ही खोखरा पंचायत की ये समस्या है, और खोखरा के आसपास की जो गैस से जुड़ी हुई समस्या है, जो एक बड़ा स्कैम हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे ग्रामीणों के द्वारा उज्ज्वला योजना के फॉर्म जमा किए गए, लेकिन बाद में उनसे फिर उनको सिलेंडर नहीं दिया गया और कहा गया कि आपका सिलेंडर निकल गया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। ऐसे ही किसी दूसरे गाँव, ऐसे किसी दूसरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वहाँ के लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज़।